आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तू यहाँ क्या कर रही? ओ हेलो, तुझसे पूछ रही हूँ मेरे कमरे में क्या कर रही है? आप शहर के लोग घर बहुत गंदा रखो, मैं सोची मैं खुद ही साफ कर दूँ। आप भी चाड़ा करो मैडम जी। सुन मेरी बात, आज के बाद मेरे कमरे में बगैर मेरी परमिशन के कदम भी मत रखना। ओ, आप तो नाराज हो गए मैडम जी, माफ कर दो। मन्ने बोलो तो मैं इब्बे चली जाऊं मैडम जी, माफ कर दो। ओए रुक। भाभी, मम्मी जी ना मुझसे पूछ रही थी आपके बारे में, मतलब सन्नो के बारे में, कि वो कौन है, कहाँ से आई है, कौन कौन है आगे पीछे वगैरह वगैरह। और वो कह रही थी पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको जानती हैं, आपकी आवाज में कुछ तो है। उन्हें डाउट हो रहा था कि आपकी आवाज इशिता भाभी जैसी है। मैंने ना बड़ी मुश्किल से बात को संभाला, मैंने कहा वो तो पक्की हरियाणवी है, कोई भी गुण नहीं है मद्रासियों जैसा उसमें। मुझे लग ही रहा था कि मम्मी जी को शक हो जाएगा, बताए अब इतने साल मेरे साथ रही है तो आवाज तो पहचानेंगी ना वो। हाँ भाभी, आपको ना सतर्क रहना पड़ेगा, आपको ना एकदम चुप रहना पड़ेगा, बहुत कम बोलना पड़ेगा, खासकर मम्मी जी और रमन भैया के सामने। रमन भैया ने ना अभी आपकी आवाज पहचानी नहीं है, नहीं तो ना। हाँ, पर वक्त जरूरत में तो बोलना ही पड़ता है ना, मैं क्या करूँ। और हरियाणवी बोलना इतना मुश्किल काम है, आवाज तो थोड़ा कंट्रोल कर भी सकती हूँ। मद्रासी से हिंदी इतनी मुश्किल से सीखी थी मैंने और हरियाणवी बोलनी पड़ रही है, मेरी तो जान निकल रही है, बैंड बज रही है पूरी की पूरी। भाभी, एक बात पूछूं आपसे, आप ये सब क्यों कर रही है? कुछ बहुत बड़ा कारण। नीलू एक बात बता। हाँ भाभी। रमन के लिए खाना कौन बनाता है आजकल? खाना तो मैं ही बनाती हूँ, कभी कभी मीका भाभी। तो उनके लिए चाय कॉफी कौन बनाता है? चाय कॉफी भी रमन भैया के लिए मैं ही बनाती हूँ, सुबह की चाय और शाम की, मेरे सिवा कोई भी नहीं बनाता। तो क्या सिमी घर का कोई काम नहीं करती? पहले तो वो करती थी ना किचन का काम। भाभी वो अब नहीं करती, जब उनका मूड अच्छा होता है तो कभी कभी हलवा बना देती है बस। एक बात बताओ, रमन को दवाइयाँ कौन दे रहा है आजकल? रमन भैया अब दवाई नहीं लेते, वो तो बंद हो गई ना, वो पिछली बार भैया ने दवाई की डिब्बी फेंक दी थी, उसके बाद से तो दवाई लेना बंद हो गया। What? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सबको तो लग रहा है कि सिमी दवाइयाँ नहीं दे रही है रमन को, लेकिन रमन के सिस्टम में है दवाइयाँ, अगर वो खाने में नहीं दे रही है, चाय कॉफी में नहीं दे रही है, तो फिर रमन के सिस्टम में दवाइयाँ जा कैसे रही हैं? भाभी बहुत देर हो गई है, अगर हमें किसी ने साथ में देख लिया ना तो बात बिगड़ जाएगी। तुम जाओ। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक कपड़े लेके जाओ। अच्छा सिमी अभी घर से बाहर गई हुई है ना, वो आई नहीं ना वापस? नहीं अभी तक तो नहीं आई। ठीक है। मैंने यहीं की मेडिसिन छुपाई होगी। शायद यहाँ पता भी लग जाए कि वो देती कैसे है मेडिसिन रमन को। तू यहाँ क्या कर रही? ओ हेलो, तुझसे पूछ रही हूँ मेरे कमरे में क्या कर रही है? आप शहर के लोग घर बहुत गंदा रखो, मैं सोची मैं खुद ही साफ कर दूँ। आप भी चाड़ा करो मैडम जी। सुन मेरी बात, आज के बाद मेरे कमरे में बगैर मेरी परमिशन के कदम भी मत रखना। नाराज हो गए मैडम जी, माफ कर दो। मन्ने बोलो तो मैं इब्बे चली जाऊं मैडम जी, माफ कर दो।
ओए रुक। मुझे तेरी सारी डिटेल्स चाहिए, तेरा नाम, तेरे गांव का नाम, सब कुछ। शगुन ने तो सब कुछ बताया नहीं है, लेकिन तुझे हमें सब कुछ बताना पड़ेगा। फोन है तेरे पास? नाथ जी। ये क्या हुआ तुझे? ओए पागल है क्या? नाथ जी मैं कि... ओए तू क्या छुपा रही है मुझसे? बोल क्या छुपा रही है? मैं क्या छुपाऊंगी? तो फुदक क्यों रही है? क्या हुआ है? दिमाग खराब? तेरा दिमाग खराब है? इतना महंगा वास तोड़ दिया, तू पागल है क्या? क्या किया तूने ये? माफ कीजिए मैडम जी, जान के ना गिराई। छोड़ के खड़ी हो अभी के अभी, रख उसको। छोड़ दिया मैडम जी। तू चित्र लगाऊंगी मैं तेरे। सुन मेरी बात, कल तुझे मैं पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। पुलिस? तेरे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। ये जो तुम जैसे मेड आते हैं ना अपने गांव को छोड़ के, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है यहाँ पे। अपने पेपर्स तैयार रखियो, चल जा यहाँ से, जा। और आज के बाद कुछ टूटना नहीं चाहिए। शगुन, ये सिमी क्या करे इसका? वो कह रही है कि उसको मेरा पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है कल। अगर ये हुआ तो फिर तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी ना। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ शगुन, मुझे यहाँ रहना है। प्लीज कुछ करो सॉर्ट आउट प्लीज। हे माँ, कितने दिनों के लिए चले जाते हो यार? आए मेरा बच्चा आ गया, आए मैं सद के जाऊँ। पुत्र चंगा है ना, जब मैं जाती हूँ तो तुम सारों को पता लगता है मैं कितनी इंपोर्टेड हूँ इस फैमिली के लिए। ओए ओ यार, मैं थोड़े दिन के लिए चली गई, तेरा तो टेस्ट ही खराब हो गया। ओ ये इस सूट के ऊपर ये कैसा ब्रांच लगाया है? ऐसी कॉम्बिनेशन है? माँ जब इमोशन की बात आती है ना तो कॉम्बिनेशन मायने नहीं रखता, किसी ने बड़े प्यार से दिया है। अरे मिस रूही लाई है मेरे लिए, मुझे बड़ा चंगा लगा। रूही ने? अच्छा अच्छा। वैसे सर ने ब्रॉच और पॉकेट स्क्वायर पूरा दिन उतारा नहीं है यार, लगा के रखा है। अब तू नहीं समझेगा, है ही पियानो की चीज, जब कोई प्यार से देता है तो निहारना भी जरूरी होता है। अच्छा गल सुन। हाँ। उन फटाफट तैयार हो जा, फिल्म देखने जा रहे हैं। पता है कितने दिन हो गए थे मैंने कोई फिल्म ही नहीं देखी, तो भल्ला जी ने ना सारी फैमिली के लिए टिकटें बुक कराई है नेट वाले शो की। चल दौड़ के तैयार हो जा, जा जा जा। चलो बड़े दिनों में मैंने भी फिल्में देखी, मैं अभी आया। टू एंजॉय मोर सच अमेजिंग वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।